अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है आपके लग्न में तो 2024 की प्रडिक्शन मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ तो क्या आपको नौकरी लगेगी क्या आपकी शादी हो सकती है क्या आप लव अफेयर में पढ़ेंगे कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति और कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य ये सभी इस वीडियो के अंत तक आपको पता लगेगा इसलिए चैनल से जुड़े रहिए लास्ट तक तो शनि महाराज 2024 में रहने वाले हैं आपके लग्न में और लग्न से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे कुंडली के सातवें घर को देखेंगे और कुंडली के दसवें घर को भी देखेंगे ठीक है इसको नोट कीजिए राहु महाराज कुंडली के दूसरे घर पर रहेंगे तो सीधे सीधे कुंडली के अष्टम भाव पे नज़र रहेगी राहु महाराज की ठीक है बृहस्पति देव एक हिस्सा दूसरा हिस्सा यहाँ तक आपके मई तक रहने वाले हैं फर्स्ट वीक और उसके बाद मई से लेकर दिसंबर तक आपकी कुंडली के रहने वाले हैं चौथे भाव में जहाँ से डबल ट्रांजिशन का इफेक्ट जो पड़ेगा कुंडली के दसवें घर पर पड़ेगा तो देखिए क्योंकि कुंडली के दसवें घर पर शनि महाराज देख रहे हैं और साथ ही साथ बृहस्पति देख रहे हैं तो कैरियर का बहुत अच्छा टाइम है तो इस वर्ष अगर आप व्यापार कर रहे हैं क्योंकि सातवा घर बिजनेस का भी होता है और जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं और जोखिम उठा रहे हैं तो जोखिम का लेवल थोड़ा सा कम कर लीजिए सफलता आपको मिल जाएगी ठीक है और अगर इस वर्ष आपकी क्योंकि बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव जो हो रहा है आपके दसवें घर पे पड़ रहा है तो व्यवसाय जो है वह आपका बल्ले बल्ले होने वाली है बहुत अच्छा होने वाला है ठीक है और यदि आप कोई कार्य साझेदारी में कर रहे हैं बिजनेस में कर रही है तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ एग्री होते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है और 2024 के बाद मई नौकरी में काम करने वाले व्यक्ति जितने भी हैं उनको अप्रेजल बनती हुई नज़र आ रही है अगर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने घर के आसपास उसके भी योग आपके कैरियर में बनते हुई नज़र आ रही है तो आपको शनिदेव पराक्रमी बना रहे हैं बिजनेस में सफलता दे रहे हैं कैरियर क्षेत्र में कर रहे हैं आपको एक ही काम करना है शॉर्टकट नहीं अपनाना है 2024 में किसी भी सूरत हाल में ठीक है शॉर्टकट नहीं मिलाएंगे तो दसवें घर की चांदी ही चांदी आपको देखने को मिलेगी आपके फैसले आपके कैरियर को सुनहरा बनाने में मदद करेंगे आप अपने जो डिसीजन मेकिंग की पावर है उसमें आपको लगेगा सक्सेस मिल रही है ठीक है जो भी आपके साथ जुड़े होंगे आपके सबॉर्डिनेट होंगे मेंटर होंगे उनको लगेगा कि आपके जो डिसीजन है बहुत अच्छे हैं और आपको ध्यान यही रहना है कि भैया अहंकार को नहीं पनपने देना है अहंकार हो गया तो समस्या आपके लिए विकटकारी हो सकती है इस चीज़ को आपको ध्यान लगा के चलना है ठीक है जी आशा करता हूँ बात जरूर आप समझ लेंगे ऑफिस या अपने कार्यस्थल पर अनुशासन का डिसिप्लिन का आप अवश्य पालन करें ठीक है नहीं तो समस्या हो सकती है तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी नजर आएगी और आपकी मन चाहिए जगह पर ट्रांसफर भी हो जाएगी आइए अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की कि पंचम भाव पे क्या इफेक्ट रहने वाला है चूँकि पंचम भाव पे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ेगी ठीक है लेकिन अगर हम बात कर लें थोड़ा सा शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जो है आपकी तीसरी कुंडली के थर्ड भाव में पड़ने वाली है और थर्ड भाव जो होता है एक तरीके का काम भाव भी होता है ठीक है जी तो इस वर्ष आपकी क्योंकि पंचम भाव में कोई ज़्यादा प्लैनेट की यहाँ पर दृष्टि नहीं पड़ रही है एक्सेप्ट जो आपके सूर्य बुध और शुक्र की जो मंगल जो मासिक चलेंगे उनका ही प्रभाव देखने को मिलेगा बस इस क्षेत्र में आपको अच्छा प्रयास देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है तो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव का लेवल जो होगा उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना पिछले वर्ष था दो में था ठीक है तो आपको अपने प्यार में भरोसा रखना है बना के रखना है आपके लिए हितकारी होगा ठीक है मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं पैदा करना है अगर आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम है तो भाई उसकी रेमेडी आप कीजिए उसके समाधान आप खुद ही ढूंढिए दोनों लोग मिलकर ठीक है तो कुंभ राशि वालों हेल्थ की बात में मैंने बताया था कि राहु की नजर सातवी पड़ रही है तो जो लोग नशा करते हैं सावधान रहिए है। ठीक है हेल्थ में एनजाइटी हो सकती है रोड एक्सीडेंट लाऊ करवा सकता है ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट जरूर डालिए और जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है हेड की प्रॉब्लम है सिर दर्द होता रहता है वो भी अपने स्वास्थ्य का इस वक्त ध्यान रखिए ठीक है आप अपने कार्यों में बिजी के कारण अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं तो दो की शुरुआत तो आपके लिए बेस्ट है ठीक है सेहत के हिसाब से लेकिन आ, आप मान के चलिए जून के बाद आपको दिक्कत आ सकती है तो अपने कैरियर के पीछे भागने में अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत कीजिएगा ठीक है थोड़ा कसरत कर लीजिए और मॉर्निंग वॉक कर लीजिए आपको अपनी सेहत को पहले प्राथमिकता देनी होगी 2024 में ठीक है अपना करना क्या है अपना जो आहार है वह आप उचित और संतुलित लीजिए अच्छी रिसोर्स फाइबर वाली डाइट आपको लेनी होगी ठीक है जी और आपको अल्टीमेटली अपनी नींद पूरी करनी है ठीक है और ओबिसिटी से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है नहीं तो ओबिसिटी आपका वज़न जो है वो बढ़ सकता है और नेगेटिव थाट जो है वो आपको अपने ऊपर नहीं आने देने नहीं हावी होने देने 2024 में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है जी बाकी अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो कैरियर आपका अच्छा रहने वाला है ठीक है जैसे कि मैंने प्रेम एक थोड़ा सा एक बार फिर से मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा आपके प्रेम लाइफ के बारे में मैंने बताया था यहाँ पे कि आपको अपने साथी से तो वैसे तो भरपूर प्रेम मिलने वाला है लेकिन ट्रस्ट बना के रखना है प्यार बना के रखना है कोई प्रॉब्लम हो तो रेमेडी अवश्य कीजिए क्योंकि प्यार के पर मैं हमेशा फोकस करता हूँ तो यह साल आपको अपने निजी जीवन की समस्याओं को छुटकारा पाने में मदद करवा सकता है आपके रिश्तों में एक नयापन एक नई एनर्जी एक नया एहसास एक नए जीने की तमन्ना यह आपको दे सकता है ठीक है तो जीवन साथी से हर प्रकार से आपको सहायता मिलती हुई नजर आ रही है ठीक है और आप छोटी सी डेट पर गेट टुगेदर पे लव पार्टनर के साथ जा सकते हैं ठीक है तो प्रेमी जीवन के हिसाब से जीवन जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है ठीक है तो अगर आप लव अफेयर में पड़े हैं और उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कन्वर्जन भी आप 2024 में करवा सकते हैं क्योंकि तो शनि महाराज की एक नज़र यहाँ भी पड़ रही है तो और बृहस्पति देव की भी एक नज़र यहाँ पे पड़ रही है मई तक अगर मई तक आप चाहते हैं कि आप अपने मैरिड लाइफ को आप अपनी चीज़ों को कन्वर्ट करना तो गो फॉर दैट आप करवा सकते हैं ठीक है जी तो चूँकि पाँचवा घर जो होता है ये आपके बच्चों का भी होता है ठीक है जी और दूसरा घर जो होता है एक्सटेंशन ऑफ फैमिली का वाणी का भी होता है तो वाणी दोष लगा हुआ है तो आपके अगर बच्चे बड़े हैं तो उनसे आर्ग्यूमेंट मत किया कीजिएगा फालतू में नहीं तो आपको चोट लग सकती है दिल की आपको बच्चों के लिए अल्टीमेटली बात करूं तो दस में से मैं ये पांच नंबर देना चाहूँगा एक एवरेज साल आपके बच्चों के लिए रहने वाला है ठीक है आपके बच्चे अपनी कैलिबिलिटी अपनी क्रेटिबिलिटी के आधार पर अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे ठीक है यदि आपकी दूसरी संतान है और विवाह के योग हैं तो उसके लिए आप उम्मीद कर सकते हैं दूसरी बच्चों की शादी के योग बन सकते हैं कुंभ राशि वाले ठीक है डेफिनेटली शनि महाराज लग्न में है और शनि महाराज यही कहेंगे कि आपके बच्चे जो हैं अपनी मेहनत और दमखम पे सोसाइटी में अपना नाम सम्मान प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान देने की आवश्यकता है देखिए अब यात्रा की बात कर करूँ क्योंकि बृहस्पति देव जो है वर्ष की शुरुआत में गुरु के तीसरे भाव में गोचर के प्रभाव के कारण कुंभ लग्न वालों की छोटी और काम की लाभ यात्रा बन सकती है क्योंकि बृहस्पति देव की एक नज़र जो है कुंडली के भाग्य भाव में पड़ेगी तो एक छोटी यात्रा आप कर सकते हैं धार्मिक यात्रा कर सकते हैं अगर बहुत टाइम से आपने सोचा है तो आप कर सकते हैं अप्रैल के बाद अपनी जो डेडिकेटेड स्थानों से थोड़ा सा आप जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं ठीक है तो सातवीं दृष्टि यहाँ पे बृहस्पति देव की पड़ रही है एक दो तीन चार पाँचवीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो विवाह के योग अच्छे हैं तो गो फॉर दैट इस साल आपकी बन सकती है विवाह के चांसेस पूरे ठीक है तो मैंने अब आपके कैरियर को बता दिया आपके मैंने मैरिड लाइफ को बता दिया आपके मैंने भाग्य को बता दिया यात्रों को बता दिया आपके मैंने कैरियर के बारे में भी यहाँ कर दिया अब मैं आपके आर्थिक लाभ की बात करूँगा कि दो में आपका पैसा का फ्लो कैसा रहने वाला है देखिए कुंडली का जो आपका ग्यारहवा घर होता है ये पैसे वाला घर होता है फाइनेंशियल वाला घर होता है फाइनेंशियल चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है ठीक है ना इसीलिए हम इसे कहते हैं फाइनेंशियल तो बृहस्पति देव की देखिए एक पाँचवीं नज़र यहाँ पड़ेगी और सातवीं नज़र यहाँ पड़ेगी आठवीं नौवीं नज़र यहाँ पड़ेगी तो बृहस्पति देव की नौवीं दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ रही है और बृहस्पति देव की अपने ही घर पे नज़र पड़ेगी और बृहस्पति देव इस घर को पसंद करते हैं ठीक है तो डेफिनेटली ये घर एक तरीके से उपाच्य भाव भी होता है तो अभी तक जहाँ पर आपके पैसे फंसे हुए थे सडन पैसे आपको मिल सकते हैं ठीक है, फाइनेंशियल फ्लो जो है वो यहां पे मुझे सुधरता हुआ आपका नजर आ रहा है ठीक है आर्थिक लाभ के योग यहां पे हैं, पैसा आपके पास आएगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो पैसा बचाने में सेव करने में आप इस साल सफल होते हुए नजर आ रहे हैं आय के कई स्रोत बनेंगे आप अपने आर्थिक पक्ष को लेकर खुश भी नजर आएंगे एक चेहरे पे अच्छी सी स्माइल आपकी रहेगी ठीक है तो इस साल आर्थिक लाभ को आपको डेफिनेटली कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है और जो लोग खेती में काम कर रहे हैं खेती से हैं कृषि में भी उनको यहाँ पे सफलता मिलती हुई नजर आ रही है कही राधे राधे ठीक है तो साल के आखिरी महीने में खासकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी यदि आप लोन लेने चाह रहे हैं आवेदन किया है लोन के लिए तो वो लोन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है जी तो 2024 था कुंभ राशियों के लिए अब अगर आपको उपाय मैं यहाँ बताना चाहूँ अगर ये साल आपको तंग करें अगर ये साल क्योंकि राहू की नज़र यहाँ पर पड़ी है राहू को कौन दुर्गा माता दुर्गा माता की उपासना कीजिए ठीक है काली माता की विशेषकर उपासना कीजिए बहुत लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा ठीक है क्योंकि शनि महाराज बृहस्पति को नज़र यहाँ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पंचम भाव पे भी नज़र पड़ी है तो अगर रिश्ता देखने जा रहे हैं तो चंदन का तिलक लगा के जाइए और काले कपड़ों को मत पहन के जाइए काले कपड़ों का अवॉइड कीजिए चंदन का टिकट लगा के जाइए और शनिवार के दिन काली वस्तु का दान अवश्य करें इतना सा आप कीजिए आपका कुंभ बिल्कुल ठीक हो जाएगा राशि आपके अनुकूल आएगी तो ये था आपका कुंभ राशि का राशिफल 2024 का इजाजत दीजिए पर्सनल कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं या हमारी वेबसाइट से हमसे संपर्क कर सकते हैं राधे राधे नमस्कार